राजनांदगांव पुलिस ने पिछले 5 महीने में अपनी कार्रवाई के आंकड़े जारी किए हैं। पुलिस का दावा है कि लगातार हो रही कार्रवाई की वजह से प्रदेश की संस्कार धानी राजनांदगांव में अपराध घट रहे हैं। राजनांदगांव एएसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ लगाम लगातार कसी जा रही है। पिछले 5 माह में शराब के लगभग 379 प्रकरण में 379 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2,200 लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई गई है। इसी प्रकार गांजे के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जुआ और सट्टे के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। नशे पर लगाम लगाया जा रहा है। संदर्भ में पिछले 5 महीने में लगभग शराब के 379 प्रकरण में 389 आरोपी को गिरफ्तार करके 2,200 लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। इसी प्रकार गांजे पे कार्रवाई की गई है। गांजे में लगभग 170 किलो गांजा जब्त किया गया है और जुआ और सट्टे पे भी कार्रवाई की गई है, जिसमें जुए पे लगभग 61 आरोपी और सट्टे पे लगभग 52 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और शराब या नशे पे कार्रवाई करने से कुछ अपराधों के में भी कमी आई है, जिसका आंकड़ा पेश किया गया है। पिछले 5 महीने में आबकारी के 34-1 के मामले में लगभग 203%, आबकारी 34-2 में लगभग 61%, मारपीट में जो वृद्धि हुई है इसमें 34-2 और 34-1 में। इसी प्रकार नशे पर कार्रवाई करने से जो अपराधों में कमी आई है उसकी जानकारी छोटी सी है। मारपीट के मामले 294, 323, 506 IPC में 6% की कमी, चाकूबाजी में लगभग 45% की कमी, हाफ मर्डर या हत्या का प्रयास में लगभग 82% की कमी, हत्या में 17% की कमी, सड़क दुर्घटना जो कि अमूमन हमेशा वृद्धि होती है उसमें 16% की कमी, छेड़छाड़ के मामलों में 22% की कमी, 376 या बलात्कार के मामलों में लगभग 53% की कमी हुई है। तो एक सकारात्मक आंकड़ा है और आगे भी इस प्रकार नशे पर जो है कार्रवाई पुलिस की जारी है।